Listen to 50 classical stations on Karwa 2.0. कुछ गाने दिल को धड़कने की वजह देते हैं और कुछ गाने उन सपनों की याद दिला देते हैं जो हमने अपने साथी के साथ देखे थे। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे भी कुछ ऐसा ही है। वैसे क्या आप जानते हैं, प्रकाश मेहरा जी अपनी फिल्में कंप्लीट करने के बाद और उसके रिलीज होने के पहले पूरी फिल्म आनंद जी भाई को दिखाया करते थे, क्योंकि आनंद जी अच्छे सजेशंस देते थे जो प्रकाश जी हमेशा एक्सेप्ट करते थे, एज आनंद जी के पास फिल्म एडिटिंग की भी नॉलेज थी। साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप। कल्याण जी आनंद जी वन ऑफ द पॉपुलर सिबलिंग म्यूजिक कंपोजर जोड़ी थे बॉलीवुड में, जिनमें कोई आपसी अनबन नहीं हुई थी। मैं हूँ रुचि आपके साथ, और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उनके फादर ऑलरेडी उन दोनों को वार्न कर चुके थे कि एक समय के बाद ईगो प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं। उनके फादर ने आनंद जी को समझाया था कि कल्याण जी का कैमरा फेस है तो उनके पिक्चर्स ज़्यादा प्रिंट होंगे, और इस बात से आनंद जी को कहा कि वो भड़के ना। और इस बात पर आनंद जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक सूरज बनेगा एक चांद। वैसे कल्याण जी आनंद जी का रिश्ता अमित जी के साथ बहुत गहरा था, क्योंकि कुछ भी शुरू करने से पहले अमित जी आनंद जी की वाइफ कांता जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया करते थे। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, ओ साथी रे। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे इस गाने के ठीक पहले वाले सीन में, जहाँ पर अमित जी स्टेज पर स्पीच देते हैं, वो सीन एक्चुअली कादर खान जी ने लिखा था। उन्होंने वो डायलॉग अपने वास्तविक जीवन से रिलेट करते हुए लिखा था, और जब उन्होंने ये सीन लिखा तब वो 16 पेजेस का लंबा सीन था, लेकिन अमित जी और डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी को सीन काफ़ी लंबा लग रहा था। बाद में अमित जी कादर खान जी से मिले और कहा कि सीन बहुत लंबा है और वो इतने डायलॉग्स याद नहीं कर पाएंगे। तब कादर साहब ने अमित जी के हाथ से शीट ली और उन्होंने सीन के लिए लिखे हुए अल्फाज का मतलब समझाया अमित जी को, और तब कादर जी की आंखें नम हो गईं। उस सीन की अहमियत समझाते समझाते एक बार फिर कादर जी उन सभी इमोशंस में खो गए। इस बात के बाद अमित जी के पास कहने को कुछ शब्द नहीं बचे थे। उन्होंने कादर जी को गले लगाया और कहा कि वो सीन वैसे ही करेंगे जैसा लिखा गया है। फिलहाल आइए सुनते हैं अगला गाना, बातें तो और होती रहेंगी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये तेरा
सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है ओ साथी रे। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल म्यूजिशियन पॉल मॉरियट ने इस गाने का एक इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बनाया था अपने इंटरनेशनल एल्बम क्लियोपैट्रा के लिए। ये एल्बम रिलीज हुआ था 1980 में और गाना चार्ट बस्टर था ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो भी क्यों ना, ये गाना बड़े मियाँ और छोटे मियाँ यानी कंपोजर्स कल्याण जी आनंद जी का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन था। वैसे इस म्यूजिक कंपोजर जोड़ी ने काफ़ी कुछ चीज़ों की शुरुआत की थी फिल्मी म्यूजिक में। वो पहले ऐसे कंपोजर्स थे जिन्होंने क्लेवियोलाइन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था नागिन वाली बीन बजाने के लिए। वो पहली ऐसी जोड़ी थे जो हिमालय से ऊँचा फिल्म के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आजान को भी लेकर के आए और पहले कंपोजर्स जिन्होंने न्यू कमर डायरेक्टर्स सिंगर्स और लिरिसिस्ट के साथ काम किया। चलिए आइए उन्हीं के बढ़िया कंपोजिशन सुनाती हूं आपको ईमानदार फिल्म से। सुनिए जरा। और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर छुपा रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है चीर के देखे दिल मेरा तो चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है तेरा ही तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है ओ साथी रे। एक बार फिर से आपको ये पूरा की पूरा गाना सुनाने वाली हूँ। आखिर ये गाना है ही इतना खास। सुनिए ये गाना और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का ये शो आपको कैसा लगा। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यानी रुचि के साथ सुनिए एक बार फिर से आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। La 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 साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना तेरे बिना भी
क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना जिंदगी, जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। कुछ गाने सूरज की रोशनी पर बनते हैं, तो कुछ गाने चांद की चांदनी पर, और वो गाने जो दिन हो या रात साथ निभाना सिखाते हैं, बन जाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज 3 मार्च हम सेलिब्रेट करेंगे डायरेक्टर विजय आनंद जी की फिल्म गाइड का गाना दिन ढल जाए हाय, जिसे लिखा है शैलेंद्र जी ने, गाया है रफी साहब ने और कंपोज किया है SD बर्मन जी ने। पता है इस फिल्म के गानों में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ने फ्लूट बजाया था, और बॉलीवुड के कई म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, सिंगर्स के हिसाब से उस फिल्म का म्यूजिक उस दौरान का बेस्ट म्यूजिक था। तो चलिए बाकी की बातें जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप। इस गाने की पहली लाइन हसरत जयपुरी जी ने लिखी थी, जो कि फिल्म के ओरिजिनल लिरिसिस्ट थे, लेकिन देव साहब और विजय आनंद जी को ये चीज़ को जमी नहीं, और हसरत जयपुरी जी उसे बदलना नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। और फिर विजय जी ने शैलेंद्र जी को अप्रोच किया। शैलेंद्र जी थोड़े नाराज हुए ये जानकर कि वो विजय साहब के सेकंड ऑप्शन थे, और इसलिए शैलेंद्र जी ने थोड़ी हाई फीस डिमांड की थी,
लेकिन विजय आनंद जी और देव साहब दोनों मान गए। आयरॉनिकली शैलेंद्र जी ने हसरत जयपुरी जी की लाइन रखी और ये गाना आज बॉलीवुड म्यूजिक का प्लैटिनम सॉन्ग बन चुका है। प्यार में जिन के सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब हैं पराए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। विजय आनंद जी ने अपने फिल्मों में एज एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, एडिटर और प्रोड्यूसर काम किया था, लेकिन वो अपने डायरेक्शन के लिए जाने जाते थे। उनके आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और द वे वो शॉट्स कंसीव करते थे, उसके बड़े चर्चे हुआ करते थे। उन्हें सेट डिजाइनिंग का भी ज्ञान था और एडिटिंग का भी। मेरे हिसाब से वो इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक थे। ऐसी ही रिमझिम, ऐसी फुहारे, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदार, जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, दिन ढल जाए। मैं हूँ रुचि आपके साथ। पता है विजय जी सचिन दा के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते थे। कौन सा गाना कौन सा सिंगर गाएगा वो सिर्फ उनका ही डिसीजन हुआ करता था। उनका एक अलग खुद का स्टाइल था ऑफ टेस्टिंग एंड सिलेक्टिंग द वॉइस। अगर कभी कोई गाना स्क्रैप करना हो तो भी वो खुद अकेले ही कर देते थे। वो जानते थे किस गाने के लिए कैसी आवाज़ चाहिए। उनका डिसीजन बेस्ट डिसीजन होता था एंड ऑफ कोर्स गाने भी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, सुनिए जरा। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है गाइड फिल्म का गाना दिन ढल जाए। मैं हूँ रुचि आपके साथ। इस गाने की बात करूँ तो हम देख ही सकते हैं कि रफ़ी साहब ने इस गाने में पूरा इंसाफ किया है विद द गिवन सिचुएशन। रफ़ी साहब पूरी तरह से इस गाने में इन्वॉल्व हो चुके थे, इतने कि देव साहब से भी ज़्यादा रफ़ी साहब ने सिचुएशन को समझा था। उनकी जो एक्स्ट्रा मेलोडियस लो वॉइस थी वो पूरे गाने में हम पर हर बार एक खूबसूरत इम्पैक्ट छोड़ती है। आज इतने सालों बाद भी हमारे नर्व सेल्स में ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करती है जिससे आंखें नम हो जाती हैं और चेहरा फिर भी उनके धुन में मुस्कुरा रहा होता है। वैसे आज का प्लैटिनम सॉन्ग विजय आनंद जी की फिल्म से है, तो सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गाना। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। ए
देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था गाइड फिल्म का गाना दिन ढल जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और आप बातें करेंगे। साथ ही बताइए आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से सुनते हैं गाइड फिल्म से ये गाना। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए, सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए, ऐसी फुहारे ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदार जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए, किसको
दिन ढल जाए हर रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। कुछ गाने नए ताजा तरीन प्यार पर बनते हैं और कुछ गाने ऐसे प्यार पर जो सदियों पुराना है, लेकिन ऐसे गाने जो ना उम्र देखते हैं ना समय, सिर्फ प्यार के एहसास को जताते हैं, वो बन जाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज 4 मार्च और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नए प्लैटिनम सॉन्ग के साथ। हिंदी सिनेमा में कई मल्टी स्टारर फिल्में बनी हैं। उन दिनों एक्टर्स में ईगो इश्यूज या कॉम्पिटिशन की ज्यादा बात नहीं होती थी। आज ऐसे ही एक फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूं जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी। इनफैक्ट उसने इस मल्टी स्टारर फिल्म का ट्रेंड शुरू किया था। फिल्म का नाम है वक्त और गाना जिसे आज हम सेलिब्रेट करेंगे वो है ए मेरी जोहर जबीन। कुछ 50 साल बीत चुके हैं इस गाने को बनकर, लेकिन आज भी फैमिली गैदरिंग्स में, दोस्तों के बीच लोग ये गाना अपने लवर को, अपनी प्रेमिका को जरूर डेडिकेट करते हैं। ये गाना मन्ना डे जी का वन ऑफ द मास्टरपीस सॉन्ग्स है। और वैसे तो वक्त फिल्म का हर गाना रवि जी ने कंपोज किया था, लेकिन क्योंकि ये एक अफगान सॉन्ग पर बेस्ड है और रवि जी इसे एज अ कव्वाली चाहते थे, तो उन्होंने अफगान कंपोजर अब्दुल गफार जी को कॉन्टैक्ट किया जिन्होंने ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज किया था। उन्होंने ही ये वर्जन भी इस फिल्म के लिए कंपोज किया। चलिए और बातें करेंगे, उसके पहले सुनाते हैं आपको आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, ए मेरी जोहर जबीन। ए मेरी जोहर जबीन, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ए मेरी जोहर जबीन, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। कुछ गाने शर्म लज्जा पर बनते हैं, जो बात साफ साफ नहीं कही जाती वो आज के प्लैटिनम सॉन्ग जैसे गाने कह जाते हैं। वैसे म्यूजिक डायरेक्टर रवि को लगा था कि जोहर जबी जैसे शब्द जो हैं ये इसके कारण गाना ज्यादा हिट नहीं होगा, लेकिन फिर लिरिसिस्ट साहिर साहब को बहुत भरोसा था कि ये गाना सुपर हिट तो होगा ही और ये वर्ड जोहर जबी ऑडियंस को पसंद भी आएगा। एंड ही वॉज राइट। आज बॉलीवुड म्यूजिक के इतिहास में ये गाना एक मास्टरपीस है और हम सभी लोगों के लिए काफी स्पेशल है। ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ। ए मेरी जोहर जबीं, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। जब मन्ना डे जी को पता चला कि ये कव्वाली उन्हें गानी है तो वो थोड़े सरप्राइज हो गए। उन्होंने म्यूजिक कंपोजर रवि जी से पूछा कि वो जनरली रफी साहब या महेंद्र कपूर जी को चुनते हैं अपने गानों के लिए, तो फिर इस गाने के लिए उन्हें क्यों चुना। तब रवि साहब ने कहा कि फिल्म के अभिनेता बलराज साहनी जी की पर्सनल रिक्वेस्ट थी ये। वो जानते थे कि ये गाना मन्ना डे जी की आवाज के लिए ही बना है। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिके जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिके जाविदा। ए मेरी जोहर जबीं, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ए मेरी जोहर जबीं,
तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे ए मेरी जोहरा जबी मैं हूं रुचि आपके साथ इस गाने की खास बात ये थी कि इस गाने ने काफी सारे सोशल बैरियर्स ब्रेक किए थे अगर आप वीडियो देखेंगे आपको वीडियो याद होगा तो उसमें बलराज साहनी जी अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और उनकी वाइफ दूसरे रूम में दूसरी औरतों के साथ जैसे गेट टुगेदर का ट्रेडिशन हुआ करता था उस जमाने में बलराज साहनी जी ये गाना अपनी बीवी के लिए गाते हैं उस समय की इंडियन सोसाइटी के लिए इतने सारे लोगों के सामने अपनी बीवी को हंसी कहना प्यार का इजहार करना बहुत ही शर्मनाक माना जाता था इस गाने के जरिए उस जमाने में कई और हम उम्र आशिकों को अपने जवां दिल की भावनाएं बताने का साहस मिला उस दौरान तो ये गाना इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितना कि आज हो चुका है लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से ये गाना प्लैटिनम तो जरूर है चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले गाने की ओर जो कि फिर से मोहब्बत पर ही बेस्ड है सुनिए ये गाना और सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे हर तरफ हुस्न है जवानी है आज की रात क्या सुहानी है रेशमी जिस्म थरथराते हैं मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं धड़कनों में सुरूर फैला है रंग नजदीक दूर फैला है दावते इश्क दे रही है फजा आज हो जा किसी हसी पे फिदा के मोहब्बत बड़े काम की चीज है काम की चीज है मोहब्बत बड़े काम की चीज है काम की चीज है आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है ए मेरी जोहरा जबी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं हूं रुचि आपके साथ और ये गाना है वक्त फिल्म का वैसे 1965 में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टॉप स्पॉट पर थी इस फिल्म ने मिलने और बिछड़ने का फॉर्मूला बॉलीवुड में फिर से रिवाइव किया इनफैक्ट वक्त फिल्म तेलुगु में बनी थी और मलयालम में भी बनी थी चलिए फिलहाल आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे एक मल्टी स्टारर फिल्म से है तो ऐसा ही एक गाना सुनाती हूँ आपको जिसमें कई सारे सितारे देखने को मिले थे अगला गाना कभी कभी फिल्म से आपके लिए सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे तेरा फूलों जैसा रंग तेरे शीशे जैसे अंग पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया तंग आते जाते करे तंग तेरे अच्छे नहीं ढंग मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था उस प्यार के नाम जो कि हमेशा जमा रहता है आई होप आपको ये गाना बेहद पसंद आया हो एक बार फिर से सुना रही हूँ आपको आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे ए मेरी जोहरा जबी पूरा की पूरा सुनिए ये गाना नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आज का ये शो आपको कैसा लगा इस वीडियो को शेयर कीजिए सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान
तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे तू मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे ओ सनम मैं तेरा आशिके जाविदा ओ सनम मैं तेरा आशिके जाविदा ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझके कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान कुछ गाने कभी भी पुराने नहीं होते और कुछ फिल्में थिएटर से निकलने का नाम ही नहीं लेती। ऐसी ही एक फिल्म थी नाम, जिसका एवरग्रीन गाना आज बनने वाला है प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूँ रुचि आपके साथ और हम जिस गाने के बारे में बात कर रहे हैं वो है चिट्ठी आई है। इस गाने को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गाया था पंकज उदास जी ने। आनंद बख्शी जी जिन्होंने इस गाने में लिरिक्स लिखे थे, आई थिंक उनके लिरिक्स के कारण ही ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ था। और फिल्म नाम की बात करूं तो ये फिल्म कुमार गौरव और संजय दत्त का करियर फिर से ट्रैक पर ले आई। संजय दत्त करियर बिगैन टू लुक अप आफ्टर दिस फिल्म। और भी बातें इस फिल्म और इस गाने से जुड़ी हुई बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। क्या आप जानते हैं इस गाने को रिकॉर्ड करते समय पंकज जी इंडिया में बहुत ट्रैवल कर रहे थे। जिस दिन इस गाने को रिकॉर्ड करना था उस दिन पंकज जी स्टूडियोज में काफ़ी देर से आए, शाम हो गई थी और पंकज जी ने 2-3 बार ये गाना रिकॉर्ड किया लक्ष्मीकांत जी के साथ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था लेकिन फिर लक्ष्मीकांत जी को गाने में पंकज जी का वो अंदाज नज़र नहीं आया जैसे कॉन्सर्ट्स में आता है। फिर पंकज जी ने कहा उस माहौल के लिए उनके पास प्रॉपर स्टेज होता है, शॉल के साथ बैठ करके वो गजलें गाते हैं। फिर क्या था,
लक्ष्मीकांत जी ने पंकज जी के लिए स्टूडियो में वैसे ही अरेंजमेंट्स करा दिए, टेबल्स लगवा दी गई, शॉल मंगवाई और फिर पंकज जी ने ये गाना रिकॉर्ड किया। 7 मिनट का ये कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग पंकज जी ने एक गो में, एक टेक में रिकॉर्ड किया। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू, कम खाते हैं कम सोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप, चिट्ठी आई है। मैं हूं रुचि आपके साथ। ये गाना उस जमाने में इतना पॉपुलर हो चुका था कि कई बार थिएटर्स में फिल्म खत्म होते ही ऑडियंस के डिमांड पर ये रीरन किया जाता था। सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बाग की कलियां, कहते हैं गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, चिट्ठी आई है। मैं हूँ रुचि आपके साथ। जब पहली बार इस गाने के डिस्कशंस चल रहे थे तब फिल्म से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट लोग मौजूद थे, राजेंद्र कुमार जी, स्क्रिप्ट राइटर सलीम जी, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म महेश भट्ट, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। सलीम जी ने सिचुएशन एक्सप्लेन की और कुछ ही मिनटों में आनंद बख्शी साहब अपनी कुछ पंक्तियों के साथ रेडी थे। पंकज जी को तब महसूस हो चुका था कि वो किसी लेजेंडरी सॉन्ग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, शाहरुख खान स्टार बनने से पहले एज एन अशर काम किया करते थे इवेंट्स में। तब उन्होंने पंकज जी के एक कॉन्सर्ट में एज एन अशर काम किया था। ये कॉन्सर्ट था दिल्ली में एट द सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम। अब शाहरुख की बात चली है तो चलिए उन्हीं का एक गाना सुनाते हैं आपको, सुनिए जरा। झूलो
आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है चिट्ठी आई है, नाम फिल्म का ये गाना। मैं हूँ रुचि आपके साथ और नाम फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार जी को पंकज जी की गजलें बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो चाहते थे कि वो उन्हें अपनी फिल्म में ज़रूर लें। पंकज जी से वो कैमियो भी करवाना चाहते थे। इस चीज़ के लिए राजेंद्र कुमार जी ने डायरेक्टली पंकज जी से बात नहीं की, उन्होंने पंकज जी के भाई मनहर जी से बात की और पंकज जी उन्हें ना नहीं बोल पाए। पंकज जी सॉन्ग के लिए मान गए लेकिन कैमियो का आइडिया उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा था। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। बेहतरीन गाना है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ में। सुनिए ये गाना और वापस आएंगे और फिर बात करेंगे आज के प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे के बारे में। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है। पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। साथिया संग रहेगा तेरा प्यार, साथिया तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था ये ब्रिलियंट गाना पंकज उदास जी की आवाज़ में चिट्ठी आई है। आई होप आपको ये गाना बेहद पसंद आया हो। वैसे आज की तारीख में चिट्ठियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आप मेरे वीडियो पर ही कमेंट कर सकते हैं और मुझ तक आपके सारे मैसेजेस पहुंच जाएंगे। तो नीचे लिख के बताइए आपको आज का ये शो कैसा लगा। एक बार फिर से सुना रही हूँ आपको आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूठ
शिकारी से छूटी गोली पीपल सूना पनघट सूना घर शमशान का बना नमूना फसल कटी आई बैसाखी तेरा ना रह गया बाकी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का हाल बुरा है तेरी बीवी करती है सेवा सूरत से चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को या वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी सिनेमा के गाने हमें हमारे मंजिल के करीब जाने की प्रेरणा देते हैं कुछ गाने पर खोलकर उड़ना सिखाते हैं तो कुछ गाने रूठे अपनों को मनाना सिखाते हैं और वो गाने जो पराए लोगों को भी अपना बनाते हैं बन जाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे नमस्कार मैं हूं रुचि आपके साथ और एक बार फिर से आपके लिए एक नया प्लैटिनम सॉन्ग लेकर आई हूं आज 6 मार्च का प्लैटिनम सॉन्ग है यश जी की पहली मूवी एज अ प्रोड्यूसर दाग फिल्म से मेरे दिल में आज क्या है जिसे लिखा है साहिर साहब ने गाया है किशोर दाने और कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने वैसे क्या आप जानते हैं साहिर जी यश जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और क्योंकि ये यश जी की पहली फिल्म थी तो साहिर जी ने कहा कि वो यश जी से एक रुपया भी नहीं लेंगे जब तक फिल्म और फिल्म के गाने हिट नहीं हो जाते वरना उन्हीं को थोड़ा गिल्टी फील होता फिर तो इस फिल्म के गाने हिट होने के बाद उनका लंबा एसोसिएशन चला इनफैक्ट साहिर जी ने यश जी की उन दिनों की सारी फिल्मों के लिए लिखा
चलिए और भी बातें बनाऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। दाग फिल्म यश जी की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस समय यश जी बीआर चोपड़ा जी के अंडर काम करते थे। उन्होंने कुछ 5 फिल्में की उनके बड़े भाई चोपड़ा साहब के साथ। फिर यश जी को लगा कि उन्हें अलग से फिल्में बनानी चाहिए जिसमें वो बिलीव करते हों। फिर उन्होंने अपने दोस्त गुलशन नंदा जी के सामने ये इच्छा जाहिर की और फिल्म की कहानी डिस्कस की। गुलशन जी को ये आइडिया सही लगा और उन्होंने भी साथ देने की ठानी। अब इसी दौरान यश जी की शादी भी हुई थी और वो हनीमून पर गए हुए थे। वहाँ उनके सफ़र में उन्होंने काफ़ी कुछ अनुभव किया और उसके अनुसार फिल्म दाग की कहानी में चेंजेस भी लेकर आए और खुद फिल्म के प्रोड्यूसर बनने का डिसाइड किया। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। यश जी ने प्रोड्यूसर बनने का डिसाइड तो कर लिया लेकिन उन्हें बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने गुलशन नंदा जी को कहा इस बारे में कि आप संभालिए। गुलशन नंदा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हेल्प करूँगा। उस दौरान यश जी मुंबई के निपिनसी रोड में रहा करते थे अपने मामा के साथ। तब गुलशन जी आए और उन्हें अपने साथ लेकर के चले गए। निपिनसी रोड से जुहू गए वो बीआर चोपड़ा साहब के पास। गुलशन जी ने सीनियर चोपड़ा जी को 2 लाख का चेक दिया और कहा कि ये आप अपने आशीर्वाद के साथ यश को दो, मैं भी इसे फाइनेंस करना चाहता हूँ। छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं, मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, मेरे दिल में आज क्या है। मैं हूं रुचि आपके साथ। इस फिल्म को लेकर यश जी एक्साइटेड तो बहुत थे, उन्हें उनके एक्टर्स, टेक्नीशियंस, फ्रेंड्स सभी ने हर तरीके से सपोर्ट किया। जब यश जी फिल्म के लीड एक्टर्स राजेश जी, शर्मिला जी और राखी जी के पास गए बिजनेस की बात करने के लिए, तो तीनों ने कहा कि आपका जो भी प्राइस है, जो भी बजट है वो चलेगा हमें, और तो और आपको जब देना होगा पैसा तब दे देना। इनफैक्ट राखी जी के पास तो कुछ पैसे पड़े हुए थे जिसका तब उन्हें कोई यूज़ नहीं था, तो उन्होंने वो पैसे भी यश जी को दे दिए थे। और ऐसे ही सबके सपोर्ट और प्यार के कारण यश जी का इस फिल्म के साथ इमोशनल कनेक्शन भी था। तो आइए फिर सुनते हैं इसी फिल्म से एक और गाना, सुनिए ज़रा। Thank you.
चाहे माँ रूठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली ओ मैंने तुझसे नियत भर ली मैंने हंसकर हामी भर ली यारी छूटे ना आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है दाग फिल्म से गाना मेरे दिल में आज क्या है। मैं हूँ रुचि आपके साथ। ये पहली फिल्म थी यश जी की अंडर यश राज फिल्म्स। उस दौरान उनके दोस्त और फाइनेंसर गुलशन नंदा जी ने यश जी को कहानी के साथ में थोड़ी मदद तो की थी लेकिन उन्हें इतना अंदाजा नहीं था कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी, इसीलिए फिल्म को एकदम लो प्रोफाइल में रिलीज किया गया था। लेकिन विद इन सिक्स डेज ऑफ द फिल्म्स रिलीज द नंबर ऑफ प्रिंट्स हैड टू बी ट्रिपल्ड और उस साल इस फिल्म के गाने भी टॉप पर थे। ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ की थी और इसीलिए माना जाता है कि यश राज में राज राजेश खन्ना जी का नाम है। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। यार मिले तो इज्जत समझो कंजरी बनकर रहना तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था मेरे दिल में आज क्या है। अब आपको मुझे बताना है कि आपके दिल में आज क्या है, कौन सा गाना है जो कि आपको बेहद पसंद है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मैं और आप बातें करेंगे। उसी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से सुना रही हूँ आपको पूरा की पूरा ये गाना, सुनिए जरा। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी ज़ुल्फ़ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं We'll be right back.
छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं कर मैं जहां के गम भुला दूं तेरे केसों में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं तेरी जुल्फ फिर सवा दूं तेरी मांग फिर सजा दूं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं कुछ गाने सब्र पर बनते हैं क्योंकि एक इंतजार ही तो है जो उम्मीदों में जान बनाए रखता है और ऐसे गाने जो इंतजार की घड़ी में भी हमारे यकी को टूटने नहीं देते बन जाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज 7th of March और मैं फिर से लौट आई हूं आपके लिए एक गाने से जुड़े हुए किस्से कहानियों को लेकर के। आज का हमारा प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे वो है जिसमें प्यार का नशा है और इंतजार का जाम है। शराबी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का गाना इंतहा हो गई। इस गाने को कंपोज किया था बप्पी लहरी जी ने और लिखा था अनजान साहब ने। वैसे ये फिल्म अमिताभ जी और जया प्रदा जी की पहली फिल्म थी एक साथ में और इस फिल्म की कहानी सोची गई थी 35,000 फीट ऊपर हवाओं में। क्या था ये किस्सा बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, इंतहा हो गई। इंतजार की इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। कुछ गाने हमारा सहारा बन जाते हैं, कभी मुस्कुराना सिखाते हैं तो कभी रुला देते हैं। आज इस गाने को 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं आए हुए, लेकिन आज भी लोग इस गाने को इंतजार की घड़ी में गुनगुनाया करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 1983 में अमिताभ जी और प्रकाश जी वर्ल्ड टूर पे गए हुए थे। यूएस के कुछ 10 शहर और यूरोप वगैरह में परफॉर्म कर रहे थे और सफर के दौरान प्रकाश मेहरा जी ने अमित जी को सजेस्ट किया कि उन्हें एक ऐसी कहानी बनानी चाहिए जो पिता और बेटे के रिश्ते पर हो, जहां बेटा शराबी होगा। अमित जी को ये आइडिया काफी अच्छा लगा और मुंबई लौटते ही इस फिल्म पर काम शुरू हो गया। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में,
वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में बुझ न जाए ये शमा ऐतबार की इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप इंतहा हो गई इंतजार की मैं हूं रुचि आपके साथ और इस फिल्म को शुरू करने से पहले अमिताभ जी का पटाखों से एक बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनका लेफ्ट हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था काफी मेडिकेशन के बाद उनका लेफ्ट हाथ थोड़ा काम करने लगा अमित जी शराबी फिल्म को डिले नहीं करना चाहते थे और उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी तो अगर आप ध्यान से ये फिल्म देखेंगे तो अमित जी ने ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में अपना लेफ्ट हाथ पॉकेट में ही रख के रखा है देखा तुझे तो दिलों में जान आई फोटो पे तराने जगे अरमा दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई छा गई फिर वही बेखुदी छा गई फिर वही बेखुदी तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे इंतहा हो गई इंतजार की मैं हूं रुचि आपके साथ शराबी फिल्म अमिताभ जी और प्रकाश जी की छठी फिल्म थी साथ में इन अ रो वैसे क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक बार का फाइट सीक्वेंस है जहां पर अमित जी ने अपनी चुराई हुई घड़ी और चेन वापस ली थी वो सीन अमित जी ने खुद कोरियोग्राफ किया था वैसे इस फिल्म ने ऑल ओवर प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट किया था उस जमाने में रिकॉर्ड सेल्स कुछ 1 मिलियन मार्क टच किया था चलिए आइए सुनते हैं अमित जी का ही एक और गाना सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे मैं रुचि आपके साथ आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो हाँ खुद भी फिसल जाइयो आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है शराबी फिल्म का गाना इंतहा हो गई इंतजार की मैं हूं रुचि आपके साथ और ये फिल्म प्रकाश जी और अमित जी की आखिरी हिट फिल्म थी जिसकी थोड़ी इंस्पिरेशन स्टीव गॉर्डन की फिल्म आर्थर से ली गई थी लेकिन शराबी फिल्म में बहुत ज्यादा मेलोड्रामा एक्शन कॉमेडी और रोमांस था जो इस फिल्म को बेहतर बनाता है और असल जिंदगी में शराब को बिल्कुल भी नहीं छूने वाले अमित जी ऑन स्क्रीन शराबी का रोल बखूबी निभाते हैं इस फिल्म के डायलॉग स्पेशली मूछे हो तो नथू लाल जैसी जिसे कादर खान जी ने लिखा था वो आज की तारीख में भी पॉपुलर है चलिए आइए सुनते हैं अगला गाना उस प्यार के नाम जो हो जाता है इत्तेफाक से सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे Thank you.
सोचो ना देखो तो देखो ना क्या हुआ इत्तफाक से लम्हे जो होते हैं मिलते हैं फिर यहाँ इत्तफाक से रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो ना क्या हुआ इत्तफाक से लम्हे जो होते हैं मिलते हैं फिर यहाँ इत्तफाक से तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था इंतहा हो गई इंतजार की वीडियो को शेयर कीजिए सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं यानी कि रुचि जल्दी वापस आऊंगी एक और प्लैटिनम सॉन्ग के साथ लेकिन जाने से पहले आज का ये खास गाना एक बार फिर से सुना रही हूं आपको सुनिए जरा इंतजार की इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा क्या हुई इंतजार की जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में बुझ
न जाए शमा ऐतबार की इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की दिलों में जान आई होठों पे तराने जगे अरमा दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई छा गई फिर वही बेखुदी छा गई फिर वही बेखुदी ला 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 कुछ गाने जिंदगी जीने का सलीका सिखा देते हैं और कुछ गाने जीने की वजह समझा देते हैं। ऐसे ही गाने जो जिंदगी को समझना थोड़ा आसान बना दे बन जाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज 8th ऑफ मार्च का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है मनोज कुमार और नंदा जी की फिल्म शोर से एक प्यार का नगमा है।
इस गाने को लिखा है हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बट फॉरगॉटन या फिर अंडररेटेड लिरिसिस्ट कहूँ जनाब संतोष आनंद जी ने। और ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सुनहरे सालों में से वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स में से एक रहा है। इस गाने को लता मंगेशकर और मुकेश जी ने गाया है। अगर जिंदगी का साइकिल मेलोडियस तरीके से सुनाया जाए तो वो डेफिनेटली आज के प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे के जैसा ही होता। तो आइए सुनते हैं ये गाना, फिर लौटकर और भी कुछ बातें करेंगे इस गाने के बारे में। एक तो प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक तो प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। मनोज जी नंदा जी को अपनी छोटी बहन माना करते थे। जब उन्होंने शोर फिल्म के लिए जया भादुरी जी को साइन किया तब वो नंदा जी को भी साइन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि नंदा जी शायद फिल्म में एक वाइफ जैसा छोटा रोल नहीं करना चाहेंगी। लेकिन नंदा जी ने इस रोल के लिए हाँ कर दी, पर कंडीशन रखा कि वो एक भी पैसा नहीं लेंगी इस फिल्म के लिए। और इस गाने की बात करूं तो ये प्यारा सा गाना एक प्यार का नगमा है, मनोज जी और उन्हीं पर तो फिल्माया गया था। कुछ पाकर पाना है, कुछ पाकर पाना है। जीवन और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप। एक प्यार का नगमा है। मैं हूं रुचि आपके साथ। और शोर फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने के साथ साथ मनोज जी ने लिखा भी था, और ये फिल्म को और खूबसूरत बना देती है बात। पूरी फिल्म में थोड़े थोड़े हिस्सों में ये गाना आता है। वैसे पता है इस गाने को लक्ष्मीकांत जी ने अपने बेटे टीकू के छोटे से हारमोनियम पर कंपोज किया था। उधार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, एक प्यार का नगमा है। मैं हूं रुचि आपके साथ। शोर फिल्म मनोज जी की एकलौती ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने भारत से जुड़ा हुआ नाम नहीं दिया, और इस फिल्म को बनाकर उन्हें जितनी संतुष्टि मिली उतनी किसी और फिल्म को बनाकर नहीं मिली थी। इनफैक्ट इस फिल्म को उन्होंने एडिट भी किया था जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था, और ऋषिकेश मुखर्जी जी ने उनकी तारीफ भी की और ये सलाह भी दी थी कि अगर कॉमिक सीन्स थोड़ा एडिट कर देते तो शायद फिल्म थोड़ी और क्रिस्प हो जाती। भाई हमें तो ये फिल्म जैसी बनी थी वैसी ही बेहद पसंद थी। चलिए आइए सुनते हैं एक और गाना जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और संतोष आनंद जी का क्रिएशन था। सुनिए जरा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले खड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे
ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी हो घड़ी हो, जिंदगी की ना टूटे आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है शोर फिल्म का गाना एक प्यार का नगमा है। मैं हूँ रुचि आपके साथ और सुना है शोर फिल्म बनाने का आइडिया मनोज जी को तब आया जब वो अपने दिल्ली के फार्म हाउस में रिलैक्स कर रहे थे। पूरब और पश्चिम फिल्म बनाने के बाद उन्होंने ये थोड़ा सा टाइम आउट लिया हुआ था। उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि कितना सुकून है यहाँ, कि शोर का नाम और निशान नहीं है। बस फिर यही इस फिल्म का सफर शुरू हुआ। आइए अब सुनते हैं अगला गाना मोहब्बत है क्या चीज प्रेम रोग से। सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, मैं रुचि आपके साथ। ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था एक प्यार का नगमा है। प्यारा सा ये गाना, आई होप आपको बेहद पसंद आया हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर से सुनिए आज का यही प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। Yeah.
और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जीत के जश्न के लिए बने होते हैं और कुछ गाने हमें जीतने का साहस देते हैं। ऐसे गाने जो जिंदगी के हर खेल में जीवित रहने की प्रेरणा दें, वो बन जाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज 9 मार्च और वादे के अनुसार एक बार फिर से आ गई हूं मैं एक नया प्लैटिनम सॉन्ग लेकर। तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, यहां के हम सिकंदर। इस गाने को गाया है उदित नारायण और साधना सरगम जी ने, कंपोज किया है जतिन ललित जी ने और लिखा है मजरू सुल्तानपुरी जी ने। वैसे क्या आप जानते हैं, इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 1989 में और इस फिल्म को 3 साल लग गए थे कंप्लीट करने में। क्यों लिया फिल्म ने इतना वक्त, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मिलेगा। नहीं समझे हैं वो हमें, तो क्या जाता है हमारी बाजी को जीतना। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ।
इस फिल्म की खास बात इस फिल्म की कहानी और म्यूजिक है, लेकिन उसी के साथ कास्टिंग भी मेरे हिसाब से बड़ी ही उम्दा की गई थी, जिसे फिक्स करने में मजरू जी को बहुत दिक्कत आई थी। वैसे हुआ यूँ था कि फिल्म में दीपक तिजोरी जी के रोल के लिए पहले अक्षय कुमार ने ऑडिशन किया था, लेकिन मेकर्स को वो कुछ खास पसंद नहीं आए। फिर मेकर्स ने मिलन सोमान को अप्रोच किया, इनफैक्ट मिलन के साथ आधी फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी थी, पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। फिर से फिल्म रीशूट करने की हिम्मत मंसूर जी में तो नहीं थी, उन्होंने फिल्म बंद करने का सोचा, लेकिन फिर आमिर खान ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि ये फिल्म एक क्लासिक फिल्म बनेगी। तब जाकर मजरू जी ने दीपक तिजोरी को साइन किया और फिल्म के कई हिस्से रीशूट किए। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें, तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप। मंसूर साहब ने ये कहानी कयामत से कयामत तक के पहले लिखना शुरू की थी, लेकिन किसी कारण वो श्योर नहीं थे इस कहानी को लेकर, और पहले कयामत से कयामत तक फिल्म रिलीज हो गई। पहले जो उन्होंने कहानी लिखी थी उसमें देयर वाज नो फादर इन द स्टोरी, सिर्फ दो भाई थे, एक बड़ा भाई जो कि पिता समान था, एंड जो छोटा भाई था वो काफ़ी वैकी था। लेकिन ये प्लॉट मंसूर साहब को कुछ सूट किया नहीं, उन्होंने रियलाइज़ किया कि कैसे अपने पापा नासिर हुसैन साहब के पैसे उन्होंने अब्रॉड पढ़ाई करके वेस्ट कर दिए थे, और कोई भी 9 to 5 जॉब वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई में इतने पैसे लगा दिए। और फिर इसी ख्याल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म में आमिर खान का कैरेक्टर बदला, फिर से लिखा जैसे मंसूर साहब का रियल लाइफ में कैरेक्टर था, उससे इंस्पायर होकर। ये भोली भाली मतवाली परिया जो है अब दौलत पे कुर्बान, जब से मतिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हम भी है शहजादे गुलमान। नहीं समझे है वो हमें, तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। नहीं समझे हैं वो हमें, तो क्या जाता है। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, जो जीता वही सिकंदर से गाना यहाँ के हम सिकंदर। मैं हूँ रुचि आपके साथ। और फिल्म के फाइनल सीन में आयशा जुल्का जी के माथे पर एक चोट लग गई थी असली में, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए थे, लेकिन फिर उस जख्म ने उनके माथे पर एक अजीब सा निशान छोड़ दिया था, और उसी कारण मंसूर जी ने उन्हें एक लाल टोपी दे दी थी पहनने के लिए टू हाइड द इंजरी। अगर आप ध्यान से देखेंगे फिल्म में तो आपको नजर आएगा कि क्लाइमैक्स के काफी सारे सीन्स में आयशा जुल्का ने वो लाल टोपी पहनी हुई है। चलिए फिलहाल सुनाती हूँ आपको इसी फिल्म से एक और गाना, सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे मेरे यानी रुचि के साथ। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के
तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, यहाँ के हम सिकंदर। वैसे ये तो आप जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान के भांजे इमरान खान ने उनके बचपन का रोल किया था, लेकिन इमरान का एक पूरा सीन आमिर जी ने खुद बनाया था, खुद डायरेक्ट किया था। वो सीन ये था कि इमरान को साइकिल के पेडल पर खड़े होने को कहा गया था और तब दूसरा बच्चा आकर उनकी पैंट नीचे कर देता है। छोटे से इमरान खान पूरे दिन रोते रहे थे सेट्स पर इस सीन के बाद, और ये आइडिया आमिर खान का था। ये बात इमरान को फिल्म रिलीज होने के 24 साल के बाद पता चली थी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे मेरे यानी रुचि के साथ। समझे के हम हैं किसके दीवाने वो हमारी आशिकी का रंग क्या जाने अरे हाँ आहा आहा समझो न मेरी जान। तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था वो जो कि हम में से हर एक एक इंसान को कभी ना कभी तो मोटिवेट करता ही है, यहाँ के हम सिकंदर। आई होप आपको ये गाना पसंद आया हो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आज का ये शो कैसा लगा। एक बार फिर से सुना रही हूँ आपको यही गाना पूरा की पूरा, सुनिए जरा। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, बाजी को जीतना हमें आता है, नहीं
ये गलियां अपनी ये रास्ते अपने कौन आएगा अपने आगे राहों में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है हारी बाजी को जीतना हमें आता है मतवाली परिया जो है अब दौलत पे कुर्बान जब भी मतिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर पर हम भी है शहजादे गुलबान नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है नमस्कार मैं हूं रुचि आपके साथ आज 10 मार्च का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है अमित जी की पहली हिट फिल्म बॉम्बे टू गोवा से देखा ना हाय रे सोचाना जिसे गाया है किशोर दाने कंपोज किया है पंचम दाने और इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं राजेंद्र कृष्णन जी ने जिन्होंने फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे थे वैसे इस गाने की शूटिंग के दौरान अमित जी ने काफ़ी रीटेक्स लिए थे जो कि किसी तकलीफ से कम नहीं थे क्योंकि उन्हें डांसिंग आता नहीं था तो बार बार उन्हें वही स्टेप्स रिपीट करने पड़ रहे थे जो कि उनके लिए बहुत टफ थे चलिए इस गाने से जुड़ी और भी बातें बताऊंगी आपको लेकिन उसके पहले शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान अरे ओ आप सुन रहे हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे मैं हूं रुचि आपके साथ क्या आपको पता है इस गाने के प्रेपरेशन के लिए महमूद जी अमित जी के साथ में मुंबई के ताजमहल होटल के डिस्कोथेक में गए थे वो ये देखना चाहते थे कि अमित जी डांस फ्लोर पर कैसा डांस करते हैं फिर इस गाने के रिहर्सल्स के दौरान उन्होंने डांस किया लेकिन कोरियोग्राफर से बहुत डांट खाई जब तक वो ठीक से डांस नहीं करना सीख गए मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहां मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहां अरे ओ
देखा ना आए रे सोचा ना आए रे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बड़ा ही थिरकता हुआ सा गाना सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। इस गाने में फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मौजूद थी कैमरा के बाजू में। हुआ कुछ ऐसा था कि अमित जी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अपने डांसिंग स्किल्स और कोरियोग्राफी को लेकर, तो पूरा की पूरा स्टाफ खड़े रहकर अमित जी को परफॉर्मेंस के लिए एनकरेज कर रहा था और हर सही स्टेप पर तालियां बजा रहा था। दिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप जी तो कहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो मेरी जान। दिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप जी तो कहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, देखा ना हाय रे सोचा ना। मैं हूँ रुचि आपके साथ और ये गाना हर परिवार का अंताक्षरी सॉन्ग बन चुका है। इनफैक्ट अब भी कोई सफर बस में करता हो और अंताक्षरी में ये गाना ना हो तो सफर अधूरा सा लगता है। इस फिल्म की कहानी और कैरेक्टर के बारे में सुनने के बाद अमित जी के ऑपोजिट कोई भी एक्ट्रेस काम करने को तैयार नहीं हो रही थी और महमूद जी ने अमित जी को भी सारे ऑड्स के खिलाफ जाकर साइन किया था। वैसे क्या आप जानते हैं महमूद जी ने शूट के दौरान अमित जी का निक नेम रख दिया था, उन्हें डेंजर डायबॉलिक बुलाया करते थे वो। हालांकि अमित जी ने कभी ये पूछा नहीं कि ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें उन्हें महमूद जी का आदर और प्यार नजर आता था। चलिए फिलहाल सुनाती हूँ आपको अगला गाना, सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है देखा ना हाय रे सोचा ना। मैं हूँ रुचि आपके साथ। इस फिल्म के कारण ही अमित जी को उनकी अगली हिट फिल्म यानी कि जंजीर मिली थी। इनफैक्ट सिर्फ एक सीन के कारण उन्हें ये फिल्म मिल गई थी और वो सीन था जब अमित जी रेस्टोरेंट में सैंडविचेस खा रहे होते हैं, तब शत्रुघ्न सिन्हा जी आते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। जब जावेद जी अमित जी को जंजीर के लिए मिलने गए थे आफ्टर धर्म जी एंड देवानंद साहब हैड रिफ्यूज्ड इट, तब अमित जी ने पूछा कि एक वजह बताइए कि आप मुझे क्यों लेना चाहते हैं। तब उन्होंने रीजन दिया और वो ये था कि बॉम्बे टू गोवा के उस फाइट सीक्वेंस में जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के मारने पर अमित जी खड़े होते हैं और फिर भी अपने सैंडविच को खा रहे होते हैं, बस उसी स्टाइल को देख करके ये जानना काफी था कि जंजीर के रोल के लिए आप परफेक्ट होंगे। चलिए सुनाती हूँ आपको फिलहाल अगला गाना, सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। मैं रुचि आपके साथ। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा। तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था बॉम्बे टू गोवा फिल्म का बड़ा ही मजेदार गाना देखा ना हाय रे सोचा ना।
आई होप आपको ये गाना और इस गाने से जुड़ी हुई सारी बातें बेहद पसंद आई होंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर से सुना रही हूँ आपको आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे, मर के भी मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। दिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप जी तो कहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो मेरी जान। दिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप जी तो कहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। अरे निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। कुछ गाने मन की शांति पर बनते हैं और कुछ गाने हमारे बेचैन दिल को शांत करने में सफल होते हैं। ऐसे ही गाने जो दीवानगी का मजा और हद दोनों समझाएं बन जाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज एक बार फिर से एक नया गाना लेकर के आई हूँ। आज 11 मार्च का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे वो है जो 80s के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज स्टूडेंट्स का फेवरेट सॉन्ग था, दीवाना हुआ बादल। ये गाना गाया है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने, कंपोज किया था ओपी नैयर जी ने और लिखा था एस एच बिहारी जी ने।
बंगाली फिल्में करने के बाद शर्मिला जी ने कश्मीर की कली से बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया था। वैसे इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो पहली बार कश्मीर गई थी और सुना है गानों की रिहर्सल जब होती थी तब शर्मिला जी एंड तक रिहर्सल करती थी और शम्मी जी रिलैक्स करते थे क्योंकि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज डांसिंग। चलिए गाने से जुड़ी और बातें मैं करती रहूंगी लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। शर्मिला जी ने अपनी पहली हिंदी फिल्म शम्मी जी के साथ की थी तो ये तो पक्का था कि शर्मिला जी ऑन स्क्रीन बेस्ट ही दिखेंगी। वैसे इस गाने की शूटिंग श्रीनगर के नेहरू पार्क में हुई थी और ये गाना शूट के पहले दिन ही फिल्माया गया था। अब अभी तक शर्मिला जी ने हिंदी फिल्में की नहीं थी तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि प्लेबैक सॉन्ग्स के साथ कैसे डील करते हैं। तब शम्मी जी ने उन्हें सिखाया कि आखिर क्या किया जाता है बॉलीवुड के इन गानों के साथ। उन्होंने शर्मिला जी को म्यूजिक और रिदम के बारे में बताया। फिर क्या था रिजल्ट तो हम इस गाने में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है ऐ जान वफा तुम खूब मिले ऐ जान वफा तुम खूब मिले दिल क्यों न बने पागल क्या दुन यदा पाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई ये बात तो आप जानते ही हैं कि शम्मी जी का म्यूजिक सेंस बड़ा ही अच्छा था। क्या आप जानते हैं इस गाने को अप्रूव भी कुछ सेकंड्स में ही कर दिया गया था। मैं हूं रुचि आपके साथ आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप। हुआ यू था कि मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में फिल्म की शूटिंग के बाद शर्मिला टैगोर जी एस एच बिहारी जी आशा जी शम्मी जी नैयर साहब ये सभी लोग साथ में बैठे थे कुछ 8 बजे तक। तब थोड़ा पार्टी वाला माहौल बन चुका था। पहली ड्रिंक पर उन्होंने चीयर्स किया और तब नैयर साहब ने अपने हारमोनियम पर दीवाना हुआ बादल की धुन प्ले की और शम्मी जी ने तुरंत डन कह दिया। इस फिल्म के लिए कुछ 52 ट्यून्स ओपी साहब ने कंपोज की थी जिसमें से 8-10 सिलेक्ट हुए और कुछ 2-3 घंटों में ही फिल्म का म्यूजिक रेडी था। जब तुम से नजर टकराई सनम जज्बात का एक तूफान उठा तिनके की तरह में बहने तेरी तिनके की तरह में बहने तेरी सैलाब मेरे रोके न रुका सैलाब मेरे रोके न रुका जीवन में मचे हलचल और बजने लगे शहनाई आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे दीवाना हुआ बादल। मैं हूं रुचि आपके साथ। शर्मिला जी जब फिल्मों में आई थी तब उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत डांसिंग में आई थी। वो अपने डांस को लेकर कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। उन्होंने अपने आप को कश्मीर की कली फिल्म में देखा और उन्हें वो कुछ खास नहीं लगा था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो डांसिंग को इसके आगे इग्नोर करेंगी। लेकिन फिर शम्मी जी जो कि उनके कॉन्फिडेंट थे उन्होंने शर्मिला जी को समझाया बताया कि अपने काम के हर एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहिए अपना बेस्ट देना चाहिए और शर्मिला जी को डांस क्लासेस ज्वाइन करने की सलाह दी। आज भी शर्मिला जी शम्मी जी को इस बात के लिए याद करती हैं। चलिए अब आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे शर्मिला जी की डेब्यू फिल्म से है तो आइए सुनते हैं शर्मिला जी की ही फिल्म से अगला गाना।
मेरा 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 लिख लिया नाम इससे तेरा 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 कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इससे तेरा आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है दीवाना हुआ बादल। मैं हूँ रुचि आपके साथ और शर्मिला जी जब बॉलीवुड में आई थी तब उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। पहले के कुछ दिनों में उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आता था फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के इंटेंशंस। उनकी मुलाकात काफ़ी डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों से भी हुई। ऐसे ही एक बॉलीवुड पार्टी में वो अपने डांस मास्टर के साथ थोड़ा डांस करने के लिए खड़ी हुई, लेकिन फिर लोग कहने लगे कि वो इतनी भी एक्सपीरियंस नहीं है कि वो मास्टर जी के साथ यूं सरेआम डांस करें। शर्मिला जी को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, कुछ समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि लोगों के साथ आखिर डील कैसे करना है। आइए फिलहाल सुनाती हूँ आपको अगला गाना, सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे मेरे यानी रुचि के साथ। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे था दीवाना हुआ बादल। वो कौन सा गाना है जिसके लिए आप दीवाने हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाने से पहले एक बार फिर से सुना रही हूँ आपको आज का ये खास गाना, सुनिए जरा। अंगड़ाए दीवाना हुआ बाहर
बदल। Thank you.